तो हाल ही में रिलीज हुई एटर्नल्स मूवी में हमने एमसीयू की एक न्यू स्पीडस्टर देखी, तो अब ये समय आ चुका है कि हम इन चारों को कंपेयर करें। तो एटर्नल्स मूवी में मकारी की स्पीड लिमिट अल्टीमेट लग रही थी, और मुझे क्या आप सब लोगों को भी इस बात में डाउट होगा कि मकारी एमसीयू क्विक सिल्वर, एक्समैन क्विक सिल्वर और फ्लैश में ज्यादा तेज कौन है। तो अगर आपको भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इन चारों का ही कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पे हम कॉमिक्स की बात नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ मूवीज की बात करेंगे। लेकिन एट द एंड आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा फास्ट स्पीडस्टर कौन है अमंग एमसीयू एंड डीसीयू। एंड यस, आज के इस वीडियो में हम इन सब स्पीडस्टर्स को मैक के हिसाब से रैंक करेंगे। लाइक 1 मैक का मतलब हुआ 1 into स्पीड ऑफ साउंड, एंड 10 मैक का मतलब हुआ 10 into स्पीड ऑफ साउंड। एंड इसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें कंपेयर करेंगे कि किस की स्पीड मैक के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा है, एंड लास्ट में वही विनर होगा। एंड यस, ये पूरा कंपैरिजन मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है। आपको क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट में पहले शेयर करो, देन इस वीडियो को एंजॉय करो। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सूर्य स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो इस बात का आंसर जो मैं आपको सीधी तरह दे सकता हूँ कि इन सब में ज्यादा तेज कौन है, लेकिन इस वीडियो में हम इनके धीरे धीरे करके कैलकुलेशंस करेंगे, ताकि एट द एंड हमें ये अच्छे से पता चल जाए कि सबसे ज्यादा तेज आखिरकार है कौन। और शुरुआत करते हैं एमसीयू के क्विक सिल्वर से। तो वो सुपर हीरो जिसकी जर्नी एमसीयू की एक मूवी में ही शुरू हुई और उसी मूवी में खत्म हो गई, वो था पेट्रो मैक्सिमोफ यानी क्विक सिल्वर। तो एमसीयू का क्विक सिल्वर तेज है, लेकिन कितना तेज। अब हमने एमसीयू के क्विक सिल्वर्स को अल्ट्रॉन बोर्ड्स को इतनी तेजी से मारते हुए देखा, एंड इसके अकॉर्डिंगली उसकी जो मैक स्पीड काउंट होती है वो होती है 4 मैक। लेकिन इसके पीछे भी बहुत से फैंस आर्ग्यू करते हैं कि अगर वो इतना ही तेज होता तो इस फायरिंग से अपने आप को इतनी इजीली बचा सकता, प्लस बुलेट को भी डॉज कर सकता, यानी उसकी स्पीड इतनी भी नहीं है कि वो बुलेट्स को देख सके। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम पे क्विकसिल्वर का डिस्टेंस बहुत दूर था हॉकाई और उस बच्चे से, जिस वजह से तब तक वो वहाँ पे पहुँचता तब तक उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उन सबको बचाने के साथ साथ अपने आप को भी बचा सके। एंड आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन का ये वाला सीन तो याद होगा, जब हॉकाई ने ग्लास को ब्रेक करके क्विकसिल्वर के ऊपर गन फायर की थी। इस सीन में भी हम ये साफ देख सकते हैं कि क्विकसिल्वर ने बुलेट को देख लिया था, यानी जो एमसीयू का क्विकसिल्वर है उसकी मैक स्पीड काउंट है 4 मैक। तो क्विकसिल्वर के बाद अब बारी आती है एक और क्विकसिल्वर की, लेकिन एमसीयू वाले क्विकसिल्वर की नहीं बल्कि एक्समैन वाले क्विकसिल्वर की। तो इस क्विक सिल्वर के भी हम बहुत अमेजिंग फीट देख चुके हैं, फिर चाहे बात हो जेवियर मैंशन में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स की जान बचाने की, या बात हो किचन्स में इन बुलेट से इतने इजीली डॉच करने की। तो अगर हम जेवियर मैंशन वाले सीन को लेके ही चलते हैं, तो उस टाइम बॉम्ब एक्सप्लोजन का टाइम था 1 या 2 सेकेंड। और इसके ऊपर अगर हम उस टाइम पे इस क्विक सिल्वर की स्पीड को एनालाइज करते हैं, तो उसकी स्पीड आएगी अराउंड 9000 मैक, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद ये इसकी टॉप स्पीड नहीं है, हमने इसकी टॉप स्पीड देखी डार्क फिनिक्स मूवी में। तो जब जीन ग्रे के ऊपर स्टॉर्म ने अपनी लाइटनिंग का यूज किया था, तो इस टाइम पे हम ये साफ देख सकते हैं कि क्विक सिल्वर की स्पीड उस लाइटनिंग के अराउंड थी। मतलब जब क्विक सिल्वर ने स्टॉर्म को बचाया, तो उसके बाद जब ये जंप ले रहा था, तो उस टाइम पे आप लाइटनिंग को देखो, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम ये मान सकते हैं कि उसकी स्पीड लाइटनिंग के अराउंड है। और अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इस क्विक सिल्वर ने लाइटनिंग को मैच किया है। तो अगर हम लाइटनिंग की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, तो वो होती है 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर हम इसे माइल्स में कन्वर्ट करें तो वो होगा 1,86,000 माइल्स। तो अगर आप अभी भी नहीं समझे, तो मैं इसे मैक में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो इसकी मैक में कन्वर्टेशन होती है 8,72,705.493 मैक। तो यानी एक्समैन का क्विक सिल्वर इतने इनटू स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल कर सकता है, और अगर हम इसे स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करें तो ये होता है 0.998484038 24। तो अब हम आते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्रांड न्यू स्पीडस्टर मकारी पे। तो जिस सुपर हीरो ने पल भर में ही सवानास, माउंटेन्स, रिवर्स और पता नहीं क्या क्या क्रॉस कर लिया, वो है मकारी। तो मकारी की स्पीड कितनी हो सकती है? पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि इसकी टॉप स्पीड होगी 3 से 4 मैक के अराउंड, क्योंकि इन सब सीन्स में ये सिर्फ 1 या 2 मैक की स्पीड से ही रन कर रही थी। लेकिन इसके कुछ ऐसे फीट्स भी है जो आपको हैरान करके रखने वाले हैं, क्योंकि कई कई पॉइंट्स में ये इतनी ज्यादा तेज हुई है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। लाइक जब ये इकारिस को पंचिस मार रही थी, तो इसकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हुई थी। लेकिन इसकी मैक्स स्पीड हमने 2 पॉइंट्स में देखी है, जिसमें पहला आता है जब ये टाइमर को ढूंढने के लिए गई थी। तो तब इसे ये कहा गया था कि अर्थ के सेलेस्टियल यानी टाइमर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाओ, तो उस टाइम पे इसने अर्थ का पूरा चक्कर लगा लिया था, या हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसने लगभग सारी अर्थ को एक्सप्लोर कर लिया था।
लेकिन इस पॉइंट में कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि मकारी ने इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। लाइक जब मकारी अटैमेंट को ढूंढने के लिए गई थी तो उस टाइम पे हमें अदर कंजर्वेशन दिखाई गई थी अदर एटर्नल्स की, यानी उस टाइम पे हमें पाकिया टनल्स के बारे में बताया गया था, तो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि उसने कितने टाइम में इतने सारा डिस्टेंस कवर किया है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसने 3 या 4 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया है, यानी इसने पूरी अर्थ का राउंड अराउंड 3 मिनट में लगा लिया है। तो अर्थ का टोटल डिस्टेंस होता है अराउंड 40,075 किलोमीटर। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कोई 3 मिनट में अगर 40,075 किलोमीटर को कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 498,029 माइल्स पर आवर। और अगर हम इसे मैक में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी स्पीड होगी अराउंड 650 मैक, यानी मकारी की स्पीड इस पॉइंट पे अप्रोक्स 650 मैक थी। लेकिन इन सबसे भी ऊपर मकारी ने एक टोर्नेडो को क्रिएट किया था, और टोर्नेडो क्रिएट करने के लिए आपको अराउंड 4 करोड़ किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। और अगर आपको इतनी स्पीड एंटेन करनी हो तो आपकी मैक के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए अराउंड 33,000 मैक। यस, इसके पीछे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, प्लस इसका डिस्टेंस भी कम था, लेकिन अगर आपको एक टोर्नेडो को जनरेट करना हो तो उसके लिए आपको स्पीड चाहिए अप्रोक्स 33,000 मैक। तो अकॉर्डिंग टू मी हमें मकारी की टॉप स्पीड अराउंड 33,000 मैक दिखी है। तो अब हम मार्वल के करेक्टर्स का कंपेरिजन स्पीड में कर चुके हैं, तो अब बारी आती है DCU के फ्लैश की। तो फ्लैश की स्पीड भी हम कई पॉइंट में देख चुके हैं, फिर चाहे बात हो वंडर वुमन को उसकी स्वॉर्ड बाउंस बैक करने की, या बात हो अपनी स्पीड की मदद से सुपरमैन को फिर से जिंदा करने की, या बात हो जस्टिस लीग के अपने लास्ट रन की, या बात हो अपनी सुपर स्पीड का यूज करके आयरस को एक एक्सीडेंट से बचाने की। लेकिन ये सब फ्लैश के फीड कुछ भी नहीं है। फ्लैश का एक फीड तो इतना ज्यादा है जिसके सामने ये तीनों स्पीडस्टर्स नहीं टिक सकते, और वो है स्नाइडर कट का सीन। अब आपको याद होगा कि स्नाइडर कट में फ्लैश ने स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल किया था, और फ्लैश का ऐसा करते टाइम भी रिवर्स हो गया था, यानी फ्लैश की स्पीड से अलाउ करती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को भी तोड़ के रख दे। लेकिन ये सब स्पीड्स तो इन करेक्टर्स की मूवीज में है, कॉमिक्स में तो ये करेक्टर्स और ज़्यादा तेज भाग चुके हैं। लाइक फ्लैश इससे भी ज़्यादा तेज था, और मकारी ने भी स्पीड ऑफ लाइट क्रॉस की है। लेकिन हम ये कंपैरिजन मूवीज के बेसिस में कर रहे हैं, तो इसे मूवीज के ऊपर ही रहने देते हैं। तो हमारे सामने फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। नंबर 4 MCU क्विकसिल्वर विद 4 मैक, नंबर 3 मकारी विद 33,000 मैक, नंबर 2 एक्समैन क्विकसिल्वर विद 872,705.493 मैक, एंड नंबर 1 फ्लैश विद फास्टर देन लाइट ऑफ स्पीड। यानी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस के बाद फास्टेस्ट मैन अलाइव अभी भी फास्टेस्ट मैन अलाइव ही है। लेकिन ये सब तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपको क्या लगता है कि इन चारों करेक्टर्स में ज़्यादा तेज कौन है, आप हमें कमेंट में शेयर कर देना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने एक्समैन क्विकसिल्वर, MCU क्विकसिल्वर, मकारी और फ्लैश का कंपैरिजन किया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नाउ फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 सो असिस्टेंट असेंबल्ड।